Well, hello, first welcome to another episode of Bollywood This Week. From Mawar Ansari, आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म दृश्यम द्वितीय के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? आज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही इमोशनल मोमेंट है एंड बहुत ही नॉस्टैल्जिक लग रहा है, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था 2019 में 2018 में जब हम बॉक्स ऑफिस यू नो कैलकुलेट किया करते थे. इवन फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट जब गोलमाल लगे नहीं थी तब हमारे चैनल पे ऐसे एपिसोड्स बनते थे. अरसा बीत गया, साल बीत गए, ऐसे एपिसोड्स नहीं बने, क्योंकि ऐसे मौके ही नहीं आते थे. फिल्में चलती थी, फिल्में फुल होती थी, लेकिन इस कदर का माहौल जो है वो नहीं क्रिएट होता था. ट्रिपल आर के लिए होता था, KGF चैप्टर 2 के लिए होता था, साउथ की फिल्मों के लिए होता था, हिंदी फिल्मों के लिए ऐसा माहौल नहीं क्रिएट होता था. लेकिन आज दृश्यम 2 ने वो कर दिखाया है जो आपके सोच से परे है. द मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ दृश्यम 2 इज गोइंग टू कम फ्रॉम द मुंबई सर्किट. द किंग, द रूलर ऑफ मुंबई सर्किट, हैंड्स डाउन. अभी बहुत लोग मेरा ये वाक्य सुन के हंस रहे होंगे मुझ पे, लेकिन मेरा भाई वो इंसान जिसने तानाजी द अनसंग वॉरियर से एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, ऑलमोस्ट 140 करोड़ ऑफ तानाजी द अनसंग वॉरियर नेट कलेक्शन केम ओनली फ्रॉम मुंबई सर्किट, जिसका रिकॉर्ड KGF चैप्टर 2 भी नहीं तोड़ पाई, वो है नर्दन अजय देवगन. दुआओं में याद रखना, सुल्तान मिर्जा मेरा भाई एंड अजय देवगन इज बैक अगेन टू रूल. मैं अगर अजय देवगन की जगह होता ना, मैं अभी के अभी सिंघम 3 करता. लुक एट दिस. कल मेरे को किसी ने कमेंट में लिखा था अगर दृश्यम 15 करे तो सिंघम 3 की ओपनिंग 25 की होगी. सिंघम 3 की ओपनिंग 25 करोड़ की होगी, सिंघम 3 50 करोड़ के ऊपर फाड़ के जाएगा. वो फिल्म ने, सिंघम रिटर्न्स ने वो टाइम पर ऑलमोस्ट 30 प्लस करोड़ का ओपनिंग लिया था. जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन. दैट इज व्हाई गेट एंग्री ऑन एक्टर्स. इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि गाइस डिस्पाइट नोइंग द बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल, नाउ नेक्स्ट स्टेप्स व्हाट दे विल डू, यू नो, दे प्यार दे टू रेड टू. Guys, why you guys don't understand? आपका पोटेंशियल क्या है? आप एक रीमेक फिल्म लाके इस टाइम पर चला रहे हो जहां पर किसी की फिल्में नहीं चल रही. जस्ट इमेजिन आपका जो विजय का किरदार है, कितना लोग उससे प्यार करते. सोचो इस टाइम पर अगर सिंघम आ जाए, गोलमाल का नेक्स्ट पार्ट आ जाए, पब्लिक फाड़ देगी. ऑल सेड एंड डन, जो बात मैंने आपको अच्छे 2 दिन पहले बोली है, वो टीजर के दिन याद रखना. भोला का टीजर बाप लेवल का है, उसका एक्शन नेवर सीन बिफोर है, फाड़ एक्शन है उसका. अजय देवगन इज मेकिंग अ वेरी बिग कमबैक एंड आई एम वेरी हैप्पी. आज मुंबई में इट इज बाप लेवल. गोलमाल अगेन वाज ऑलमोस्ट 90 प्लस करोड़ इन मुंबई सर्किट ओनली. अजय देवगन एंड मुंबई गो हैंड इन हैंड, यही हो रहा है आज. अजय देवगन वापस से राज करने आया है. दृश्यम जैसी फिल्म थ्रिलर जॉनर में आप इस तरह के हाउसफुल बोर्ड्स नहीं देखते. लेट्स स्टार्ट विद साउथ मुंबई, क्योंकि साउथ मुंबई में यूजुअली थिएटर इतना फुल नहीं होते. लेट्स सी आर सिनेमा. जब हमेशा जाया करते हैं कार्निवल आईमैक्स, 5:30 का शो तो ऑलमोस्ट फुल हो गया, 7:10 का शो. लुक एट योर स्क्रीन गाइज, दीज आर क्रेजी नंबर्स. 7:10 हो गया हो, 8:50 का ऑलमोस्ट फुल टू कैपेसिटी है, 9:25 का शो. ये थिएटर बहुत खाली जाता है मेरा भाई. एंड आज आई थिंक भैया लोग बहुत खुश होंगे. हाँ, इनका कैंटीन चल जाएगा. कार्निवल आर मॉल मुलुंड, लुक एट दिस, 6:40, 7:30, 8:10 सब फुल है. सिनेपोलिस मैग्नेट मॉल भांडुप सब फुल. सिटी लाइट सिनेमा माहिम, अ वेरी बिग सिनेमा हॉल. ये यहाँ पर 7 बजे 10 बजे ऑलमोस्ट फुल की कैपेसिटी पे है, वो सब जाने दो. गोल्ड सिनेमा दादर ईस्ट, अ वेरी बिग सिनेमा हॉल. 7:00 ऑलमोस्ट फुल एंड 10:00 ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है. दीज आर क्रेजी नंबर्स. नरीमन पॉइंट देखो तुम लोग, 7:45, 8 PM हाउसफुल, 9:45 हाउसफुल. एट्रियम मॉल वर्ली पूरा का पूरा हाउसफुल. नक्षत्र मॉल दादर हाउसफुल. आईनॉक्स नीलयोग घाटकोपर हाउसफुल. आईनॉक्स RCT घाटकोपर हाउसफुल. मेट्रो आईनॉक्स, अरे भैया हम जहाँ जाते हैं मेट्रो तो फाड़ देगा ना, क्योंकि इट्स द बेस्ट इन साउथ मुंबई. लुक एट दिस, 6:15, 7:15, 8:15 देखो पागलपन है. 9:15, आई मीन दिस इज बाप लेवल स्टफ मैन. सीरियसली थ्रिलर जॉनर के लिए इस तरह की भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा. इस मूवी में एक साइन भैया, साले साला सब शो फुल कर दिया बे, आए उसका सब शो फुल हो गया. सुबह इतनी भीड़ थी. हाँ, मूवी टाइम क्यूबिक मॉल चेंबूर स्टार सिटी माटुंगा, 10:30 का शो है. फक मैन, इज फ्लिप, कंप्लीट हाउसफुल. जय हिंद सिनेमा, एक और सिनेमा का जो हम हमेशा जाया करते हैं. लुक एट द 8 PM मैसिव हाउसफुल, 10:45 हाउसफुल. दीज आर क्रेजी सीन्स गाइज. मुक्ता A2 सिनेमा न्यू एक्सेलसियर, 7 बजे एक और सिनेमा जो हमेशा जाया करते हैं. फक सोल्ड आउट. 7:00, 10:00 दीज आर रियल ऑर्गेनिक हाउसफुल नंबर्स.
प्लाजा सिनेमा 6:30 दादर ऑलमोस्ट फुल टू कैपेसिटी गाइस लोअर परेल देखो फिनिक्स पलावा एवरीथिंग इज फुल कुर्ला घाटकोपर चरनी रोड स्टर्लिंग सिनेप्लेक्स फुल 10:15 8:10:45 ब्लॉक बस्टर अरे पार्टी कर लो पैनोरामा स्टूडियो वालों अरे देवगन पार्टी कर लो भाई केक खिलाओ सबको आज ब्लॉक बस्टर तुम्हारी फिल्म क्या ओपनिंग ली है पिक्चर ने दृश्यम टू ऑर्गेनिक हिट यार सच्चे बोल रहा हूँ आज इतना खुश हूँ मैं मुंबई सर्किट इतना अच्छे से परफॉर्म कर रही क्योंकि सबको पता है इतने महीने से मुंबई सर्किट ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा था अरे हाउसफुल कैपेसिटी चल रही है यार क्या मांगता है मैंने ये 3 दिन पहले ही बोला था ये पिक्चर शाम वाली पिक्चर है अरे बाबा राजू और श्याम वाली नहीं है श्याम वाली पिक्चर है अजय देवगन वो काम जो बच्चन पांडे ने नहीं किया वो काम जो लाल सिंह चड्ढा नहीं कर पाए वो काम जो जर्सी नहीं कर पाए वो काम जो विक्रम वेदा नहीं कर पाए वो काम यहाँ पर अजय देवगन दृश्यम का करके आया है कभी भी एक सीक्वल का जो सीक्वल जो रहती है भले रीमेक हो वो चलेगी जो डर था वो यहाँ दिल से अब निकलते हुए दिखाई दे रहा है कोई भी आदमी डू नॉट लीव सीक्वल्स अरे यार सीक्वल कैसे भी हो चलती है ये तो अच्छी बनाई है फिल्म तो गाइस मुंबई यहाँ पे हाउसफुल है इसलिए बता रहा हूँ जब बॉक्स ऑफिस में हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई की वजह से फिल्म के कलेक्शन स्काई रॉकेट होने वाले मुंबई गुजरात एंड पुणे ये तीन जगह फिल्म गोना बी ब्लॉक बस्टर मैन मैंने क्या बोला था उस दिन संडे कितना 20 करोड़ कल बहुत लोग हंसे थे भैया हम भी यहीं हैं आप भी यहीं हैं संडे 20 मार देगी भाई फिल्म अरे अजय देवगन मास महाराजा फाड़ दिए भाई बॉक्स ऑफिस फाड़ दिए भाई सीरियसली बोल रहा हूँ ह्यूज मैन कांग्रेचुलेशंस एवरीवन इन्वॉल्व्ड जाइए गाइस दृश्यम 2 नहीं देखी है सिनेमा घर में जाके देख के आइए मैंने मोहनलाल की फिल्म 4 बार देखा था ये देखने का अभी मेरा फिर से मन कर रहा है फिल्म देखने के लिए डेफिनेटली टुनाइट नहीं कल मॉर्निंग आई डेफिनेटली गो एंड वॉच दृश्यम 2 क्योंकि गाइस वो फिल्म बहुत अच्छी बनाई है लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बनी है एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन